हेलो मेक क्रिसमस थीम्ड स्टीमी हॉट ब्रोथी सूप उसके लिए मैंने लिया है सम बेल पेपर्स कैबेज कैप्सिकम कैरेट टमाटो एंड सम फ्रेश कोरिएंडर उसके वेस्ट को भी हमने वेस्ट नहीं होने देना क्योंकि हम उससे बनाएंगे ब्रोथ जिससे सबसे ज्यादा फ्लेवर आएगा सो सबसे पहले हम ब्रोथ ही बनाते हैं उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल और सम जिंजर एंड ग्रीन चिलीज उसको थोड़ा सा सोते होने दिया है और जो भी मेरा सब्जियों का वेस्ट था वो भी मैंने इसमें डाल दिया अच्छे से मिक्स कर लिया और मेरे पास एक ब्रोकली का ब्रॉथ था ऑलरेडी जिसमें मैंने ब्रोकली ब्रॉयल की थी वो मैंने इसमें डाल दिया इसमें एक बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया बीटरूट की वजह से जो हमारे सूप को रेड कलर देगा अब मैं इसको फाइव टू सेवन मिनट्स के लिए इसमें ही कुक करने दूंगी ताकि सारा फ्लेवर इस ब्रॉथ में इन्फ्यूज हो जाए फिर मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया एक जग में और साइड रख दिया अब बनाते हैं हम अपना सूप उसके लिए मैंने वही सेम कढ़ाई ले लिया क्लीन करके उसमें मैंने डाला है घी ट्रस्ट में मैंने आई से दिस इसमें घी और बटर का फ्लेवर बहुत अमेजिंग आता है फिर अगेन मैंने उसमें डाला है सम जिंजर एंड ग्रीन चिली उसको थोड़ा सा सोते और ताकि फ्लेवर आ जाए अच्छे से और क्रंच भी बना रहे देन मैंने जो अपनी सारी सब्जियां थी उनको फाइनली चॉप कर लिया था और उस, उसमें मैंने डाल दिया और मिक्स कर दिया फिर मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट लिया है जितना भी मुझे लगा था रिक्वायर्ड है वो डालकर मैंने इसमें डाल दिया ब्लैक पेपर पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया ज्यादा देर इसको कुक नहीं करना क्रंच रहे अच्छा ताकि मतलब हमारे सूप में भी हमें क्रंची क्रंची वेजिटेबल्स आए फिर मैंने इसमें जो मैंने ब्रॉथ बनाया था वो मिक्स कर दिया आ, कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी और ऐड किया था ताकि मतलब सूप भी थोड़ा थोड़ा अच्छा टेस्ट करे फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स होने दिया देन लास्ट में मैंने इसमें डाला सम रेड चिली सॉस टेस्ट के लिए इन सबको बैलेंस करने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट हुई थोड़ी सी शुगर की वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया जब शुगर मैं इसमें डालती हूं या किसी भी चीज में नमकीन चीज में हम शुगर डालते हैं तो बाकी के सारे फ्लेवर्स भी बहुत अच्छे आ जाते हैं लास्ट में हम इसमें डालेंगे कॉन्सलरी ताकि थोड़ा सा थिकनेस आ जाए सूप में कौंसलहरी हम बनाते हैं कॉर्न फ्लोर जो हमारा होता है वन स्पून वो लेकर उसमें टू टेबल स्पून हम वाटर ऐड कर देते हैं तो वो कौंसलहरी बन जाती है ये हमारा सूप रेडी है इसको हम आ, सर्व करेंगे सर्विंग बॉल में और लास्ट में हम गार्निश करेंगे इसको फ्रेशली कॉरियाड लीव से सो हेयर इज आर स्टीमी ब्रोथी क्रिसमस थीम्ड सूप इसको आप एंजॉय करिए किसी भी ब्रेड क्रम्स के साथ किसी भी चिप्स के साथ ऑलिव तो अपना सूप बहुत एंजॉय करिए